हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में, जो कि है इंडिया का ऑर्बिटल लैंडर रोवर मिशन। तो जैसे आपको पता है, 15 जुलाई को इस मिशन को लॉन्च करना था अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM के करीब, पर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से ये लॉन्च को रोकना पड़ा और नई लॉन्च डेट अब तक नहीं आई है। तो मुझे ऐसे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आपको मैं बता सकूं कि क्या मोटिव है इसरो का और इंडियन गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, क्या इसका फ्लाइट पाथ होगा और ये मून के सरफेस पे लैंड करेगा तो वहाँ पर जाके इसका क्या एक्सपेरिमेंट्स इसको करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ताकि जब भी नया लॉन्च डेट्स आए और इसको ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो तो आपको पता हो कि आगे इस मिशन में इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या इसे इंडिया अचीव करना चाहता है। तो सबसे पहले, जैसे इसके नाम में है ऑर्बिटर लैंडर और रोवर, तो समझते हैं एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और रोवर क्या होता है। तो ऑर्बिटर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी प्लैनेट को या किसी नेचुरल सैटेलाइट को, जैसे कि मून है, उसको ऑर्बिट करे तो एक ऑर्बिटर होता है। लैंडर मतलब जो कि उस प्लैनेट के सरफेस पे लैंड करे, एक सॉफ्ट लैंडिंग करे, कंट्रोल्ड लैंडिंग करे। और रोवर मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसके सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, वो वेरियस पिक्चर्स खींच सके और एक्सपेरिमेंट्स कर सके। तो ये आपको, ये रियल पिक्चर्स है चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर की। तो जो रोवर होता है वो काफ़ी छोटा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू लैंडर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो लैंडर है उसके अंदर रोवर को उसको प्लेस कर दिया गया है, और इस लैंडर को रखा जा रहा है जो पेलोड एरिया होता है, जो इनका लॉन्च रॉकेट होता है उसके सबसे टॉप पे होता है पेलोड एरिया। तो ये लैंडर और आपको साइड में देख सकते हैं आप ऑर्बिटर, ये दोनों को रखा जाएगा सबसे टॉप के एरिया में, ताकि जब एक बार ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गए हैं तो वहाँ के बाद जो बाकी सारा सेटअप है, रॉकेट्स का जो सेटअप है, वो अलग हो सके और ये जो मून है उसके ऑर्बिट में सेफली पहुंच सके। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो वेरियस रॉकेट्स होते हैं, जो इन एक तरह से इनका जो लॉन्च पैड है, ये वो एरिया है, ये मदद करेगा इस सारे पेलोड को एक पर्टिकुलर हाइट में पहुंचाने के लिए, जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ख़त्म होता है। तो ये जो वहां तक हाइट में ले जाने के लिए जो भी काम है वो इस पार्ट को करना है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो लैंडर है और जो रोवर है उसको, जैसे मैंने आपको बताया, उनको सबसे टॉप पे रखा जाता है और उसके नीचे जितना भी आपको सेटअप दिख रहा है वो सिर्फ उनकी हेल्प करेगा जो अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए। जब ये पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा, पेलोड एरिया सबसे ऊपर प्लेस कर दिया गया, जितने भी रॉकेट्स हैं उनको लगा दिया गया, तो ऐसा कुछ दिखेगा पूरा सेटअप। और उसके बाद टाइम आएगा ब्लास्ट ऑफ का, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है किसी भी स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए। पर जब एक बार ऐसी पिक्चर्स आती हैं कि इंडिया ने, इसरो ने सक्सेसफुली कोई मिशन को ब्लास्ट ऑफ कर दिया, तो एक बहुत ही प्राइड मोमेंट होता है, बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छा मोमेंट होता है सारे सिटीजन्स के लिए, क्योंकि इसको देख के ऐसा लगता है कि हमने ऑलमोस्ट अपने मिशन को अचीव कर लिया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो चंद्रयान 2 है उसका फ्लाइट पाथ। तो इसके फ्लाइट पाथ में क्या होगा कि सबसे पहले इसको अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, जहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा प्रोपल्शन देके, थोड़ी पावर देके धीरे धीरे अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, और उसके बाद ये अपना जो है जर्नी शुरू करेगा मून की तरफ। जो ऑर्बिटर है, जिसको मून की ऑर्बिट में जाना है, उसको मून के सरफेस पर लैंड नहीं करना है, तो ऑर्बिटर मून की ऑर्बिट में जाएगा, और जो लैंडर है वो पहले मून की ऑर्बिट में जाएगा और वहाँ से उसको धीरे धीरे पावर देके, उस पर जो छोटे छोटे रॉकेट्स और बूस्टर्स हैं उससे उसको पावर मिलेगी, और वो ट्राई करेगा लैंड करने के लिए मून के साउथ पोल में। तो ऐसा कुछ दिखेगा ऑर्बिटर जो कि मून को ऑर्बिट करेगा, और ये वो एरिया है जहाँ हम देख सकते हैं नीचे इंडिया का फ्लैग और चंद्रयान 2 लिखा है। यहाँ पर ट्राई किया जाएगा लैंडर है जो उसकी लैंडिंग के लिए। तो इससे पहले जितने भी मून पे लैंडिंग मिशन हुए हैं, वो US के या रशिया के, वो ज़्यादा मिशन हुए हैं इक्वेटर के पास, पर इंडिया ट्राई कर रहा है जो अपना लैंडर है उसको, जो मून है उसके साउथ पोल पर लैंड करने के लिए, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बना देता है इस मिशन को। एक बार जब लैंडर एक सॉफ्ट लैंडिंग, एक कंट्रोल लैंडिंग कर लेगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा वो एक लैंडर, और जो रोवर है वो उसके अंदर से निकलेगा, और जो रोवर है वो निकल जाएगा आगे अपने जितने भी उसको एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जितने पिक्चर्स करते हैं, क्योंकि रोवर के पास व्हील्स होते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है, पर जो लैंडर है वो एक बार जहाँ लैंड होगा वो वहीं रहेगा। जो रोवर है ये जो भी इसको डाटा कलेक्ट करेगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये उस इन्फॉर्मेशन को लैंडर के पास भेजेगा, और वो लैंडर वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्बिटर के पास भेजेगा, जो कि 100 किलोमीटर्स मून के सरफेस से ऑर्बिट कर रहा होगा। और वो जो ऑर्बिटर होता है वो उस साइज़ में बड़ा होता है, उसके पास पावर भी ज़्यादा होती है, उससे वो जो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी भी रिसर्च होगी, वो इसरो के जो अर्थ पे सेंटर होंगे वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकेगी। ऐसा कुछ दिखता है एक रोवर जिसके पास व्हील्स होते हैं, वेरियस उस पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, और उसमें एक छोटा सा कैमरा भी होता है जिससे पिक्चर्स खींची जा सके। तो ये जो पूरा मिशन है, जिससे मैंने आपको बताया, जो ऑर्बिटर है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा मून के सरफेस से, जो लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, वो एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा साउथ पोल के पास,
जो प्रज्ञान है वो रोवर का नाम है जो कि लैंडर के अंदर से निकलेगा और आगे जितने भी उसको एक्सपेरिमेंट्स करने वो करेगा। इस मिशन में टोटल 13 पेलोड्स होंगे, जिस 13 इंडियन पेलोड्स होंगे और एक पेलोड होगा यूएसए का, और जो हम रॉकेट का यूज़ कर रहे हैं वो है GSLV MK3। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये जो पूरा चंद्रयान 2 है, ये जो जो हमारा लॉन्च है, इसमें क्या होगा आगे जाके, ये मून के सरफेस को कैसे अप्रोच करेगा और इससे जो इसरो है वो क्या अचीव करना चाहती है। तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।